गाजीपुर के इस ऐतिहासिक पुल पर वज्र की तरह गिरती भारी मशीनें। दशकों से लाखों गाड़ियों का भार अपने कंधे पर लेकर चलने वाला पुल थोड़ा थोड़ा दरक रहा है। आप सभी अपने स्क्रीन पर जो नजारा देख रहे हैं वो कठवा मोड़ के ऐतिहासिक पुल का अंतिम नजारा है। समय के थपेड़ों और मेंटेनेंस के अभाव में जर्जर हो चुके इस पुल को अब ध्वस्त किया जा रहा है। अब इसकी जगह नया पुल बनाया जाएगा। इस वीडियो को देख रहे आप लोग में से कमोबेश सभी की यादें इस पुल से जुड़ी होंगी, और जुड़ी भी क्यों ना हो, पुल जो इतना पुराना है। आइए देखते हैं कि इस पुल को कैसे तोड़ा जा रहा है। गाजीपुर की बेसो नदी पर इस पुल को 1959 में बनाया गया था। ये पुल राष्ट्रीय राजमार्ग 31 को जोड़ता है। 2016 में इस पुल में दरारें आ गई थी। तब से इसकी हालत दिन प्रतिदिन खराब होती चली गई। आखिरकार हालात ऐसे आ गए कि इस पुल को ध्वस्त करने का फैसला लेना पड़ा। इसी क्रम में जेसीबी जैसी भारी मशीनें लगाकर ब्रेकर मशीन से जर्जर पुल को ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू हो गई है। फिलहाल पुल से यातायात बंद है। आपको बता दें कि इस साल 12 फरवरी को सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त और विधायक अलका राय ने नए पुल के लिए संयुक्त रूप से भूमि पूजन किया था। अब करीब 7 माह गुजरने के बाद यहां नए पुल का निर्माण कार्य शुरू हो रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मित्तल ब्रदर्स इंजीनियर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर को नए पुल बनाने का काम मिला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब नया पुल 4 लेन का होगा। हालांकि इसके निर्माण में काफी वक्त लगने की बात कही जा रही है। गाजीपुर की ऐसी और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।